तो हेलो, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप बहुत अच्छे हो गए आप सब। एंड मैं दुआ भी करता हूँ हर कोई खुश रहे एंड हैप्पी रहे और ऐसे ही मुझे प्यार करता रहे, सपोर्ट करता रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ, आज जो मैं वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूँ, जिस वीडियो पर आप सबके लिए जो मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, उस वीडियो का नाम है नारा का सूरा। ये ऑफिशियल टीज़र है, अभी आया हुआ है। एंड इतना ब्लास्ट टीज़र है ना, ये आप टीज़र देखोगे ना तो आप खुद मतलब बोलोगे कि यार साउथ इंडियन जो है ना, जो साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड से बहुत एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना कि अभी बॉलीवुड को वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, ये मैं खुद बोल रहा हूँ ये बातें। तो चलो पहले कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले इस टीज़र को देखते हैं, देन काफ़ी सारी इस टीज़र के बारे में बात करते हैं। बिकॉज बातें तो बहुत सारी है, बट पहले वीडियो देखते हैं देन बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा काम अच्छा लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, जहाँ दिल करे आपका। तो लेट्स गो। जमीन पे गिरा हुआ हिरण्याक्ष का लहू, उस लहू से गर्भवती हुई ये भूमि, और तब एक भयंकर राक्षस का जन्म हुआ। नरक अज्ञात रूप में इसी भूमि में जन्म लेके इसी की रक्षा के लिए, गांव की भलाई के लिए मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को महावृक्ष बना दिया शिवा ने। किंतु वृक्ष लगाने वाले हाथ को क्या पता था कि उसी महावृक्ष के नीचे जहरीले पौधे पनप रहे हैं। ये जो बनाते हैं ना, इनकी क्रिएशन हमारी जाति, भाई छोटा सा ही टीज़र है बट कितना धमाकेदार है, मतलब कितना अमेजिंग है यार ये टीज़र। ऐसा है कि आपने खुद देख लिया होगा कि मैं वीडियो के जो मतलब मैं रिएक्शन देता हूँ तो वीडियो को बीच में पॉज करके उसके बारे में कुछ बताता हूँ, बट मैंने अंदर से सोचा दो बार कि पोस्ट करता हूँ, बट पोस्ट हुआ ही नहीं, मेरे से हो ही नहीं पाया। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया इस चीज़ के लिए। तो आप देख सकते हो कि साउथ इंडियन जो है ना, वो बॉलीवुड से कितना आगे हैं, बहुत आगे हैं यार। बॉलीवुड अभी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, बॉलीवुड में जो बचा कुचा था वो भी ख़त्म हो गया, अभी बॉलीवुड के अंदर कुछ भी नहीं है। साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री है ना, वो आप खुद देखो कि जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं और अभी जितनी भी इंडियन मूवीज़ बाहर जाके ऑस्कर लेके आई हैं, अवार्ड लेके आई हैं, सारी साउथ इंडियन मूवीज़ हैं। और बॉलीवुड की मूवीज़ ऐसी है ही नहीं कि उनको ऑस्कर या अवार्ड मिल सके। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि साउथ इंडियन जो मूवी बनाते हैं, जो स्टोरी क्रिएट करते हैं ना, इनके जैसी स्टोरी क्रिएट अभी कोई नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो इंडिया में जो जितनी भी इंडस्ट्री है वो कोई क्रिएट नहीं कर सकता, वो हमसे मतलब एटलीस्ट 20 ईयर्स तो आगे हमसे हैं ही। वो अगर इस जो फ्यूचर हमारा बॉलीवुड का जो है, बॉलीवुड से ना 20 साल अभी आगे है मेरे हिसाब से, जो साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन की जो क्रिएशन है ना, वो अभी कोई नहीं कर सकता। तो छोटा सा टीज़र है बट हिला दिया
ऐसा टीजर है ना कि आप एक सेकंड के लिए भी पोस्ट नहीं करना चाहोगे कि पोस्ट करके कुछ और कर लूँ, टीजर को मतलब बीच में रोक के कुछ और कर लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं आप सबको यही बोलता हूँ, जितने भी मेरे बिहार से जितने भी मेरे मेरी YouTube फैमिली वो सब देख रही है, तो आपको आप खुद आप भी देखो कि किस लेवल का काम ये करते हैं। मैं इसी लेवल का काम बोलता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में करना चाहिए और भोजपुरी इंडस्ट्री को भी इस लेवल तक ले जाना चाहिए, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। तो आप लोग देखो और खुद और इस चीज़ को रियलाइज़ करो। मैं ये नहीं बोल रहा भोजपुरी इंडस्ट्री ख़राब है, बिल्कुल नहीं। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बॉलीवुड ख़राब है, मैं ये बस बता रहा हूँ कि ये हमसे कितना आगे हैं। हमारी जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, साउथ भोजपुरी इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्री है, उन सबसे साउथ की इंडस्ट्री कितना आगे, कितना एडवांस्ड है, इस ये मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे ये टीज़र बहुत अच्छा लगा, आप सबको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। एंड मुझे सच में बहुत मेरी आंखों के सामने अभी भी नाच रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी इसको एक दो बार और देखूंगा इस वीडियो के बाद। मुझे बहुत अमेजिंग लगा, आप सबको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और इस टीज़र में आपको क्या सही लगा क्या नहीं लगा, कुछ भी आपको अगर अपनी तरफ से ओपिनियन इस टीज़र के बारे में है तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। एंड मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर आप सबको कुछ लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए या मुझे वीडियो में कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हाँ मेरे फेसबुक पेज को भी जाके फॉलो करना, फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग, आगे भी सपोर्ट करो, अभी तो कर ही रहे हो, आगे भी करो। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। एंड बाय, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखो एंड अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखो। बाय।